नीट यूजी के साक्षात्कार में अव्यवस्थाओं से छात्र और अभिभावक परेशान रहे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में चल रहे इन साक्षात्कारों में पहुंचे विद्यार्थियों और अभिभावकों को छाया में बैठने और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई। उनका कहना है कि अनियमितताओं के चलते अपर मेरिट छात्रों को अच्छे कॉलेज नहीं मिले, जबकि निचली मेरिट वाले छात्रों को अच्छे कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। यही नहीं, अव्यवस्थाओं के चलते एसएमएस मेडिकल कॉलेज सहित कई बड़े कॉलेजों में सीटें भी खाली रह गई हैं। जमा नहीं करवाई, देन सेकंड राउंड में आया ही नहीं। अभी मॉपअप राउंड में इन्होंने इतना वो कर रखा है कि ना तो कोई अरेंजमेंट है, बैठने की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है, लोग इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत टाइम लग रहा है। प्रॉपर तरीके से व्यवस्था करें ये, और बच्चों को ताकि परेशानी नहीं हो, बच्चों को और पेरेंट्स को। बहुत दूर दूर से यहाँ पेरेंट्स आए हुए हैं, लेकिन उस हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी रैंक है 10,737 और जिनकी रैंक 12,700 है उनको एसएमएस अलॉट हो चुका है। तो हमको भी अगर कुछ पता होता सीट के बारे में तो हम भी लेते हैं यहाँ पर, इन्होंने 9 तारीख को रेजिग्नेशन बंद कर दिए, 10 तारीख को सीट मैट्रिक्स निकाला, तो फिर कोई कैसे जा सकता है? रिजाइन करने के बाद यहाँ पर लोग सीट उठाकर लेके जा रहे हैं, झालावाड़ पेमेंट से डायरेक्ट कोटा फ्री मिल रही है, तो फिर हम भी उस सीट के हकदार हैं ना, इसलिए हम यहाँ पर हैं। इसको लेकर के किसी अधिकारी से या प्रिंसिपल से मिले थे क्या? हम प्रिंसिपल से मिले, प्रिंसिपल ने कहा ये हमारे हाथों में नहीं है, तो फिर किसके हाथों में ये सब? क्यों बच्चे सफर करें यहाँ पर आके? क्या आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? हम जाएंगे कोर्ट में अपील करेंगे। एसएमएस की 20 सीटें और ये बीकानेर की, जोधपुर की 20-20 सीटें सेकंड राउंड में पॉसिबल ही नहीं है आना। जो बच्चे छोड़ते हैं एम्स जाते हैं वो फर्स्ट राउंड में छोड़ देते हैं। ये सीटें आई कहाँ से हैं? हमें ये बताओ, वो 20 स्टूडेंट जो एसएमएस छोड़ के गए हैं वो गए कहाँ हैं? अब इस वक्त वो छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि एसएमएस से बेटर ऑप्शन उन्हें कहीं मिलेगा ही नहीं। अब 20 सीटें आपने अचानक से खाली कर दी, और मोस्टली उन्हीं बच्चों ने उठाई है जिन्होंने पेमेंट सीट उठाई, वो अपग्रेड हो गए, कोई एसएमएस में आ गया, कोई कोटा आ गया, कोई बीकानेर आ गया, और हमारे जो डिजर्विंग बच्चे थे वो आज डूंगरपुर हैं, कोई पाली है, कोई पैसे दे के पढ़ रहा है। तो ये तो सरासर देखे अगर कोई खुली आँख से जो जिंदा है जो आदमी, वो आराम से ये बता सकता है कि ये बिल्कुल सही है, ये जो कर रहे हैं ये पूरी तरीके से धांधली है। 602 नंबर आए नीट में, और मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक है 7,332, राजस्थान में कैटेगरी रैंक है 1,300, लेकिन जो मेरा दोस्त है जिसकी ऑल इंडिया रैंक है 13,000, उसको कल ही पता लगा भाई, उसने मॉपअप में बीकानेर की कॉलेज मिल गई उसको, वो भी गवर्नमेंट सीट पे, और हमारे को भीलवाड़ा मिली। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, और फिर हमने जब शिकायत करी तो पता लगा यहाँ पे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। आज प्रोटेस्ट भी करा लेकिन कोई सब साथ नहीं हो रहे, कोई आ ही नहीं रहा, और कोई रेस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है हमारे को। तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ पे मॉपअप के अंदर 3 या 4 सीट हुआ करती थी, इस बार करीब करीब 700 के आसपास सीटें चल गई है। ये तो अनजस्टिस है कुल मिला के ये हो गया। जो मेरिटल स्टूडेंट हैं वो तो पीछे रह जाएंगे, और जो नीचे रैंक वाले नंबर हैं जिनके पास में, वो ऊपर तक पहुंच जाएंगे। ये टोटल अनजस्टिस है।